हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। तो मेरा मन क्या कि थोड़ा सा तैयार हुआ जाए, तो इसके लिए मैं मेरे पास कोई ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट नहीं है। जो घर में हमारे नॉर्मली होते हैं हमारे पास थोड़ा बहुत बस वही हैं, और काफ़ी टाइम के हैं वो। मैंने कहा चलो क्यों ना थोड़ा सा एक मेकअप लुक तैयार किया जाए, मतलब अपने लिए खुद का मैं गेटअप तैयार करूँ। ऐसा मेकअप लुक नहीं है ये, क्योंकि मेकअप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं हो गया। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा दिया था अपने फेस पर। और अब मैं लैक्मे का कंसीलर, इसमें फाउंडेशन वगैरह सब कुछ हैं, तो वही मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ। ये भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 साल हो चुका है इसको, अब इसके एक्सपायरी डेट जाने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यूज कर लूँ इसको, है तो, क्योंकि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और वैसे भी मैं नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी। तो ये शादी थी मेरे वहाँ, फिर हुई नहीं कोरोना की वजह से, तो इसलिए मैंने लिया था ये, और पर ये काम नहीं आया। तो अब शायद काम आ जाएगा, क्योंकि अब करवा चौथ आने वाला है और दिवाली आने वाली है, तो थोड़ा तब ये यूज हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा इसको मैंने सोचा कि थोड़ा इसको भी यूज कर लूँ, ताकि लगे कि हाँ मैंने ख़रीदा है तो थोड़ा यूज हो गया। तो बस मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी इसको, इसको हल्के हाथों से लगाना है, तो इसको मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी, वो भी काफ़ी टाइम से रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी यूज कर लिया जाए। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं बहुत टाइम हो गई हैं, पर उनके अभी एक्सपायरी डेट है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ तभी यूज करती हूँ जब उसकी डेट होती, जब तक उसकी डेट होती है। अगर उसकी डेट ख़त्म हो जाए तो फिर मैं उसको यूज नहीं करती हूँ, चाहे वो नया ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा एक्सपायरी डेट देखती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी। मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये सब चीज़ें अगर मैं लगाती हूँ तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, इसलिए मैं कोई मेकअप नहीं करती। बस मैं मेकअप के नाम पर मेरे पास वैसलीन का मॉइस्चराइज़र ही रहता है, वही मेरा पूरा मेकअप है। तो आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, और मेकअप करके अच्छा भी लगता है वैसे। हाँ, अगर कोई दूसरा करेगा तो मैं उसका कर दूंगी अच्छे से मेकअप, इतना आता है, बट अब मेरा खुद का नहीं हो पाता है मुझसे। पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है अच्छे से अब, और मैंने बालों पे एक छोटा सा जूड़ा बनाया है, जो जूड़ा मिलता है बाज़ार में वही मैंने लगा रखा है। तो ये ब्रश से थोड़ा सा मैं, ये भी पता है बहुत टाइम से पड़ा था, काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो बहुत टाइम से पड़ा था, तो मैंने कहा चलो यूज कर लेती हूँ थोड़ा सा। इसका ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर मैं अभी मैं ये सब लगा रही हूँ, पर इसको लगाने के बाद भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसा मन कर रहा था कि फिर से मॉइस्चराइजर लगा लूँ, इतनी ड्राई है मेरी स्किन जाड़ों में खासकर।
यो गुलाबी मुखड़ी की भली छाजी रे नाखे की न थूली की भली छाजी रे नाखे की न थूली हाय तेरी जाता। तो ये था मेरा पहाड़ी छोटा सा। मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बस ऐसे ही मन किया कि थोड़ा सा अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा सा मैं तैयार हूँ और बस एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो। और मेकअप ये नहीं कि मेकअप बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा किया है, कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास ऐसे मेकअप का कोई ज़्यादा सामान नहीं है, ये सब घर में जो छोटा मोटा सामान होता है बस वही, बहुत पुराना सामान होता है बस वही है, और ऐसा कोई मेकअप का सामान नहीं है, बस छोटा सा पहाड़ी गेटअप। तो किस किस को ये सारी ज्वेलरी पसंद है ज़रूर बताइएगा। पिछौड़ा किसे पसंद है पहनना, मग और ये ग्लोबंद नथ, गढ़वाली नथ बहुत अच्छी लगती है, और ये पौजी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस छोटा सा मेकअप।